माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा स्टार्ट होने वाला नया है नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी सो so, आपने अपने अर्लियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी होती क्या है कुछ हमने इसके टर्म्स देखे अलग अलग कि सैम्पल्स स्पेस क्या होते हैं इवेंट्स क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है किस तरीके की आती है इनकी रेंज क्या होती है सो so, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी चीज़ें ठीक है कि होता क्या है सबसे पहले इसका बेसिक हम समझते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे ठीक है चलिए सो जर्मन जर्नल टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या एक्सपेरिमेंट सबसे पहले वर्ड हम पकड़ते हैं एक्सपेरिमेंट होता क्या है आपने देखा होगा साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है उसका मतलब मतलब क्या होता है वो किसी ना किसी चीज को uh, एक्सपेरिमेंट किस की, की तरह क्या करते हैं किसी ना किसी चीज को कुछ ना कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या कुछ करते हैं जिससे क्या होता है नई चीज या नया प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करने वाले प्रोबेबिलिटी की मैथ्स यहाँ पर मैं बात कर रही हूं तो यहाँ पे क्या होता है अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रोडिक्ट इन एडवांस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोला गया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट ठीक है इस तरीके से हम करते हैं कि हमें पता है कि रिजल्ट क्या आएगा हमें ये तो मालूम है कि क्या क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं सारे आउटकम्स हमें पता है कि क्या होगा ठीक है क्या क्या पॉसिबल है लेकिन आएगा कौन सा ये हमें नहीं मालूम ध्यान रखना क्या है चीज़ ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कॉइन को टॉस किया कॉइन को टॉस करने पे मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा मतलब मुझे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स पता है कि क्या क्या आ सकता है लेकिन अभी मैंने जब टॉस किया तो मुझे ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट अभी इस वक्त क्या आएगा या टेल आएगा या हेड आएगा इनमें से कौन सा आएगा तो उस चीज़ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन रिजल्ट में क्या क्या आ सकते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें पता होता है ओके okay? सो so, इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ फेयर कॉइन और रोलिंग एन अनबायस डाइस अगर मैं डाइस रोल करती हूँ ठीक है आपने देखा होगा लूडो आप खेलते हो उसमें डाइस होती है जिसमें एक क्यूब होता है जिसमें सारे नंबर्स लिखे होते हैं वन से लेकर सिक्स तक ओके okay? अब मुझे पता है कि अगर मैं डाइस रोल करूंगी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ये छह नंबर्स उसमें से आएंगे तो मतलब मुझे ये तो पता है कि यहां पर आउटकम्स कौन से हैं मुझे पता है कि आउटकम्स है तो वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा या फिर सिक्स होगा तो इनमें से ही आएंगे ये तो मुझे कंफर्म पता है लेकिन आएगा कौन सा ठीक है इसमें जब मैं डाइस रोल करूंगी तो मेरे पास जो अभी इस वक्त कोई एक ही नंबर आएगा टॉप पर तो वो नंबर कौन सा होगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है इट इज अ कलेक्शन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं किसी डाइस को मैंने रोल कर दिया तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका जो सेट कलेक्शन होता है सेट का जो कलेक्शन होता है वही क्या कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस जैसे कि यहाँ पर द सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द सिंबल एस और इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है समझिए इसको किस तरीके से अगर मैं क्या करूं वेन फ्लिपिंग टू कॉइंस अगर दो कॉइंस को मैं फ्लिप कर देती हूँ ठीक है तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर फोर चार मेरे पास आउटकम्स आएंगे ठीक है लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखते हैं लेट एच वन एंड टी वन हेड एंड द टेल ऑफ द फर्स्ट कॉइन फर्स्ट कॉइन के हेड एंड टेल में एच वन और टी वन ले लू और दूसरे कॉइन के हेड एंड टेल में एच टू एंड टी टू ले लू तो मेरे पास पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं या तो दोनों में हेड आए ये हो सकता है हेड वन पहले वाले कॉइन में भी हेड दूसरे वाले कॉइन में भी हेड या मेरे पास हेड टेल आए पहले में तो हेड ही आए लेकिन दूसरे में टेल आ जाए थर्ड आउटकम क्या आ सकता है टेल पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए और चौथा क्या हो सकता है दोनों में टेल आए क्या इसके अलावा और कोई आउटकम है जो यहाँ पर आ सकता है और हमने यहाँ नहीं लिखा है यही हो सकता है दोनों में हेड आए या फिर दोनों में टेल आए या फिर एक में हेड आए दूसरे में टेल आए या फिर दूसरे में हेड आए और पहले में टेल आए ठीक है ये चार आउटकम्स हमें यहाँ पर मिलेंगे तो इन चार आउटकम्स का जो मैं यहाँ कलेक्शन कर रही हूँ इस सेट का ये पूरा जो यहाँ पर बन रहा है सेट ये जो पूरा कलेक्शन है यही क्या कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस क्या कहलाता है सैंपल स्पेस अब ध्यान से देना इट इज अ कलेक्शन और अ सेट ये कलेक्शन होता है या फिर इसको आप सेट बोल सकते हो किसका ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बोला गया है पॉसिबल आउटकम्स मतलब जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी आएंगे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं हमारे सैंपल स्पेस उसे क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट होगा वो इस सेट के अंदर से ही हमको मिलेगा ओके okay? so, सो क्या कहा जाता है सैंपल स्पेस ओके चलिए आगे देखिए अब बात करते हैं यहां पे इवेंट्स एंड इट्स टाइप्स इवेंट्स होते क्या हैं और इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से ओके okay? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं ठीक है इवेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम सेम सिंपल जो हमने भी सैंपल स्पेस हमने पढ़ा था उसी की तरीके का डेफिनेशन है बट यहाँ पे वर्ड यूज में लिया है अ कलेक्शन ऑफ ऑल 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 सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट क्या कहा गया है या तो पूरे पूरा का पूरा कलेक्शन पूरा, पूरा का पूरा सेट हो या फिर उसमें से कुछ जो पॉसिबल आउटकम्स जो भी मेरे पास आएंगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो भी आउटकम्स आएंगे उनमें से या तो सारा का सारा या उनमें से पर्टिकुलर कुछ जो कलेक्शन होगा जिसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे वो क्या कहलाता है हमारा इवेंट कहलाता है चलिए इसको एग्जाम्पल से समझिए यहाँ पर देखिए द सैंपल स्पेस फॉर द टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स साइमेंटेनियसली इज गिवन बाय अब यहाँ पे सैम्पल स्पेस दिया गया है सैम्पल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आ सकते हैं यहाँ पर तो तीन कॉइन को क्या किया गया है छाला गया है तीन कॉइन को जैसे मैंने टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं या तो तीनों में टेल आएगा तीनों में ही क्या आया टेल आया या फिर दो में टेल आया और एक में क्या आया हेड आया या फिर थर्ड वाले में हेड आया यहां पर फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में टेल आया और सेकेंड वाले में हेड आ गया और एक बार यहां पर इसमें फर्स्ट में टेल आया और दोनों में पीछे हेड आया या फिर आगे वाले में हेड आया पीछे वाले दोनों में टेल आया या फिर हेड आया टेल हेड और मतलब ये मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट आउटकम्स मुझे यहाँ पर मिले मतलब यहाँ पर एट पॉसिबल आउटकम्स मुझे मिल गए ये मेरा सैंपल स्पेस है मतलब मैं जब भी कॉइन तीन कॉइन टॉस करूंगी तो मेरे पास इनमें से ही कोई कंडीशन आएगी ओके okay? चलिए अब इवेंट क्या होता है ये तो सैंपल स्पेस तक की बात की है इवेंट क्या होगा मान के चलते हैं सपोज इफ यू वांट टू फाइंड ओनली द आउटकम्स व्हिच हैव एटलीस्ट टू हेड अब मैं ऐसे आउटकम्स पूछ रही हूँ मैं ऐसे आउटकम्स चाहती हूँ जिसमें क्या आए दो ही हेड आए मतलब दो से ज़्यादा नहीं आए क्या बोले एटलीस्ट सॉरी दो से कम नहीं आए कम से कम दो हेड तो आने चाहिए तो ऐसे कितने आउटकम हैं आप देखो इसमें तो हेड ही नहीं है इसमें एक ही है इसमें एक ही है इसमें दो हैं इसमें एक ही है इसमें दो हैं इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं तो आप देखो कितने पॉसिबल आउटकम है जिसमें कम से कम इसमें तीन आ गए मतलब कम से कम दो तो है ठीक है तो ये चार ऐसे आउटकम्स हैं जो मेरे इस पार्ट को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है देन द सेट ऑफ ऑल सच पॉसिबिलिटीज कैन गिवन एज हेड टेल हेड 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 टेल टेल या head, 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 या head, tail, head, head. तो ये चार आउटकम्स हैं और ये जो मेरे पास मेरे से जो मैंने यहाँ पर अलग से वो पूछा गया है कि मैं इतने चाहती हूँ मैंने कंडीशन यहाँ पर लगा दी है तो ये क्या कहलाएगा मेरा इवेंट कहलाएगा इसको क्या कहेंगे हम इवेंट ये होंगे वो पॉसिबल आउटकम्स ये होगा वो कलेक्शन या फिर कुछ या उससे ज़्यादा किसका पार्ट सैंपल स्पेस का ही ये एक पार्ट होता है जो क्या होगा यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हमें देगा हमारे अकॉर्डिंग देगा जो भी हम चाहते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे जो इवेंट होता है वो क्या होता है एक्चुअली सबसेट होता है किसका सैंपल स्पेस का आप देखोगे कि जो इवेंट जो हमने निकाला है ये सारे ही किसके पार्ट है सैंपल स्पेस के पार्ट है तो so, यहां पर ये जो सैंपल स्पेस है सॉरी जो इवेंट है वो क्या होता है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का ठीक है so, सो यहां पर आपने देखा इवेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है दोनों में समझ में आया अब यहाँ पर आपको बस ये डेफिनेशन ध्यान में रखना इवेंट का ये एक कलेक्शन होता है कुछ या सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स का उसे हम क्या बोलते हैं इवेंट ओके नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल इवेंट अब मैं टाइप्स की बात करने करने जा रही हूँ इवेंट्स एंड इट्स टाइप्स इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ठीक है पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हम

सिंपल इवेंट कहते हैं जैसे कि मेरे पास ही सैम्पल स्पेस दिया गया है ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन मेरा इवेंट कौन सा है मेरा इवेंट यहाँ पर सिर्फ ओनली सेवेंटी एट आ रहा है तो यहाँ पर जो ये ई e होगा ये जो इवेंट कहलाएगा ये क्या कहलाएगा ओनली सिंपल इवेंट क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं ओनली वन आउटकम है अगर चलिए मानते हैं कि मैंने यहाँ पे टू कॉइन्स टॉस करें इसका एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं सिंपल इवेंट की मैं बात कर रही हूं लेट टॉस टू कॉइंस ठीक है टुगेदर तो मेरे पास सैंपल स्पेस आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं दोनों में हेड आए ठीक है एक में हेड आए दूसरे में टेल आए एक में टेल आए दूसरे में हेड आए और या फिर दोनों में टेल आए यही होंगे ठीक है अब इवेंट में यहां पर क्या ले रही हूं नाउ नाउ गिव द इवेंट यहां पर आप लिखो द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड मुझे अब ऐसा इवेंट बताना है मतलब मुझे एक ऐसा पॉसिबल आउटकम बताना है जिसमें क्या हो दोनों में ही हेड है ठीक है ऐसी कंडीशन तो आप देखोगे एक बार टेल दोनों में टेल आ रहा है दोनों में टेल आ, टेल हेड या हेड टेल आ रहा है और दोनों में हेड आ रहा है तो मुझे कौन सा मेरा इवेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे तो ऐसा आउटकम चाहिए जिसमें दोनों में हेड आए तो कौन सा आ रहा है हेड हेड आ रहा है यही एक है और आप देखोगे इस इवेंट में ओनली सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है सो तो ये जो मेरे पास इकल आएगा दिस इवेंट इज नोन एज सिंपल इवेंट क्या कहलाएगा ये सिंपल इवेंट कहलाएगा ओके सो so, ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम आए तो वो क्या कहलाएगा हमारा सिंपल इवेंट ओके चलिए अब यहां पर बात करते हैं हम कंपाउंड इवेंट्स की कंपाउंड इवेंट्स जस्ट सिंपल इवेंट्स का उल्टा है कन्वर्स है अच्छा कॉन्ट्रेरी टू द सिंपल इवेंट इफ एनी इवेंट कंसिस्ट कंसिस्ट इफ एनी इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिंगल पॉइंट अगर ऐसे इवेंट जिसमें क्या हो एक से ज्यादा मेरे पास क्या हो पॉसिबल आउटकम्स हो फ्रॉम द सैंपल स्पेस देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट ठीक है क्या बोला है सैंपल स्पेस में से आप देखो यहां पर है इन सैंपल स्पेस में से इवेंट अब कौन सा है नाइनटी सिक्स एटी नाइन एक से ज्यादा यहां पर आउटकम्स आए हैं सैंपल स्पेस से तो ये जो इवेंट मेरे पास कहलाएगा ये क्या कहलाएगा मेरे पास कंपाउंड इवेंट ओके जैसे कि अभी जैसे मैंने यहां पर लिया ये तो मैं ले लेती हूं इवन नाउ द इवेंट द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए ठीक है तो ऐसे इव, ऐसे आउटकम कौन कौन से होंगे इसे मैं ई टू बोल देती हूं इस इवेंट को तो ये यहां पे आप देखोगे कौन सा एटलीस्ट वन हैड येड हेड एक हेड टेल और एक टेल हेड तो थ्री ऐसे आउटकम्स मेरे पास आए हैं तो ये जो इवेंट कहलाएगा हेयर ई टू इज कंपाउंड इवेंट इट इज कंपाउंड इवेंट तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है कंपाउंड इवेंट कहलाता है ओके सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट में आपको समझ में आ गया होगा जिसमें एक ही आउटकम मुझे मिले सैंपल स्पेस से वो होगा सिंपल मतलब सिंगल और यहां पर एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा ओके चलिए आगे देखिए यहां पर नाउ इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट वर्ड से ही पता चल रहा है impossible, जो पॉसिबल ही नहीं हो ऐसा इवेंट जैसे कि एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर एक ऐसा event जो possible ही नहीं है जो है इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालती हूं कि इम्पॉसिबल इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो कितनी होगी हमेशा जीरो होगी मतलब वो चीज होगी ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा जीरो ओके फॉर एग्जाम्पल इन फ्लिपिंग अ कॉइन वंस अगर एक बार मैं कॉइन को फ्लिप करती हूँ टॉस करती हूँ एंड इम्पॉसिबल इवेंट क्या बनेगा मेरा एक ऐसा इवेंट वुड बी गेटिंग बोथ हेड एंड टेल कि मेरे पास हेड और टेल दोनों आ जाए कैसा हो सकता है एक कॉइन को टॉस किया मैंने और मैंने ये इवेंट निकाला कि मुझे हेड और टेल दोनों चाहिए क्या ये इवेंट पॉसिबल है नहीं है सो so, ये इवेंट मेरा क्या कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा और अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू इसकी इस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालू तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी जीरो मतलब इसके कोई चांस ही नहीं है ओके okay? क्लियर है इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल नहीं है चलिए अब बात करते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट जस्ट इसका जस्ट क्या है ऑपोजिट है इफ द नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या बोला गया है कि जो भी आपको डिजायरेबल इवेंट जो भी आपको चाहिए वो इवेंट अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की इक्वल है ठीक है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स की इक्वल है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन और श्योर टू हैपन इज वन ठीक है सच एन इवेंट इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट एंड श्योर इवेंट इसको एग्जाम्पल समझिए श्योर इवेंट टू ऑप्टेन अंबर बिटवीन वन एंड सिक्स वन रोलिंग एन ऑर्डनरी डाय अगर मैं एक इवेंट बनाती हूँ एक इवेंट में ये लिखती हूँ कि, कि अगर मैं डाइस को अगर उछालती हूँ डाइस को मैं रोल करती हूँ तो क्या आ जाए मेरे पास वन से लेकर सिक्स तक के बीच में नंबर मुझे मिले ठीक है इवेंट ऑफ गेटिंग वन टू सिक्स नंबर ऑन रोलिंग अ डाइस देखिए यहां पर मैं एग्जाम्पल लेती हूं इवेंट ऑफ Getting one event of getting any number from one to six okay, to roll a dice. अगर मैं डाई को रोल करती हूँ तो मेरे पास इवेंट क्या बोला गया कि वन से लेकर सिक्स तक से कोई भी नंबर आ जाए तो आप देखो अगर मैं डाइस को रोल करती हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आना चाहिए या अगर मैं किसी भी डाइस को अगर रोल करूंगी तो क्या आएगा वन आएगा टू आएगा, आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव एंड सिक्स यही आ सकता है और जो मैंने इवेंट बनाया है वो इवेंट किसकी इक्वल हो गया अभी मैंने जो इवेंट यहाँ पर लिया है वो इवेंट एक्चुअली क्या है इवेंट ऑफ गेटिंग एनी नंबर फ्रॉम वन टू सिक्स वन से लेकर सिक्स तक कोई से भी नंबर आ जाए तो यहाँ पे तो सारे ही आ गए आ सकते हैं ये सभी नंबर तो आप देखोगे ये जो इवेंट है ये एक्चुअली सैंपल स्पेस के क्या हो गया इक्वल हेयर इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज इक्वल टू सैंपल स्पेस जो सैंपल स्पेस के इक्वल है अगर ऐसा इवेंट हम ले कि जो क्या हो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसके अंदर आ जाए तो ऐसा इवेंट मेरे को क्या इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे श्योर इवेंट सर्टिन इवेंट दैट मींस ये तो होना ही है कंफर्म है ठीक है जस्ट इम्पॉसिबल इवेंट का ऑपोजिट ओके सो इसे हम क्या बोलेंगे हम यहां पर श्योर इवेंट अब दोबारा एक बार डेफिनेशन देखो इफ द नंबर ऑफ डिजायरेबल इवेंट जो भी हमने डिजायरेबल किया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अगर रोल करूं तो वन से लेकर के के बीच के, वन से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल नंबर पॉसिबल डायर को रोल करेंगे तो क्या आएंगे आएंगे इवेंट भी मेरा वही था सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज सर्टिन और श्योर इज टू हैपन वन आप देखोगे इम्पॉसिबल मतलब इस इवेंट का होने की जो प्रोबेबिलिटी है चांसेस जो है वो क्या है जीरो है लेकिन इसके श्योर इवेंट के या आप कहोगे सर्टिन इवेंट केिटी अगर मैं निकालूंगी कि ऐसा हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा वन होगी क्या होगी हमेशा वन ओके सो सच इवेंट इज कॉल्ड एन सर्टेन इवेंट और अर इवेंट ओके चलिए सो so, आगे बढ़े अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इफ एन इवेंट ए ऑकर्स एम टाइम्स एंड डज नॉट ऑकर एन टाइम एक इवेंट है ए ठीक है इसको मान के चलते हैं ए मैंने कोई इवेंट लिखा कि ए इवेंट है उसके होने के चांसेस एम है और नहीं होने के चांसेस कितने हैं एन है दैट मीन्स मैंने उसको एम प्लस एन टाइम उछाला फॉर एग्जाम्पल कॉइन को ही आप ले लो कि उसके होने के चांस एम टाइम्स तो वो हुआ ठीक है मान के चलो हेड आ गया तो एम टाइम्स तो हो गया लेकिन एन टाइम्स वो नहीं हुआ एक कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया एम बार टॉस किया तो तो हुआ और एन टाइम और किया तो नहीं हुआ ठीक है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग इवेंट ए तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास पी ए पी ए से डिनोट करें उसे हम तो पी ए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो भी होने की तो यहाँ पर होने का इवेंट बोला गया है तो कितनी बार हुआ वो एम टाइम्स तो हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे एम प्लस एन मतलब एम बार हुआ भी था और एम बार नहीं भी हुआ था तो कुछ ना कुछ और तो आया होगा तो दोनों की कंबाइंड कितना है टोटल एम प्लस एन और उसमें से हुआ कितना एम तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई एम अपॉन एम प्लस एन लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू नॉट हैपनिंग ऑफ दिस ए का नहीं होना वो कितनी बार नहीं हुआ था टाइम्स नहीं हुआ था तो यहाँ पर आ जाएगा एन अपॉन एम प्लस टोटल अपॉन फेवरेबल जो हमारे पास था, जो पास नहीं आए, नहीं आए जो A पास नहीं हुआ सो uh, so, आप देखोगे कि इसको किससे डिनोट किया है A से, so, होने का और यहाँ ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे दे दी गई है ठीक है तो यहां पर जो पी ए बार है इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी ए क्या कहेंगे ये जस्ट इसका ऑपोजिट है ये होने की प्रोबेबिलिटी है ये ना होने की प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे जो पी ए बार है वो क्या होगा इसका क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा पी ए का दैट मीन्स नॉट हैपनिंग ऑफ पी ए पी ए कहलाएगा हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और ये हो जाएगा नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए ठीक है इफ़ वी कंसिडर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए पी अगर हम मान के चलते हैं कि इवेंट हुआ उसे हम पी से डिनोट कर दें यहां पे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ क्यू सो नॉट हैपनिंग जो इवेंट नहीं हुआ उसको मैं क्यू से डिनोट कर दू दैट मीन ये प्रोबेबिलिटी को मैं कर दूं पी से डिनोट और इसको मैं कर दूं यहां पर क्यू से डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इवेंट ए तो क्या होगा यहां पर इनको मैं ऐड कर दूंगी होना और ना होना ठीक है जैसे हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे क्या आ जाएगा यहां पर वन क्या जाएगा वन दैट मीन टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से कहां तक रहती है जीरो से वन तक होने और ना होने का अगर मैं ऐड कर दू तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मैक्सिमम क्या होती है सो so, यहाँ पर पी प्लस क्यू इक्वस टू वन हो गया सो पी इक्वस टू क्या हो जाएगा वन माइनस क्यू या क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा वन माइनस पी ठीक है सो इन जनरल मैं लिखूं अगर इवेंट ई के ट्रू दैट फॉर इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी और ई सॉरी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ये इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के बीच में यहां पर रिलेशन मुझे मिल गया ओके और यहीं पर ही ईद बार जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा नॉट ई मतलब इवेंट ना होने का इवेंट ना होने का ठीक है सो इससे हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई वी ऑल्सो सेट दैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सो so, यहाँ पे ई मतलब होने का और नहीं होने का ये दोनों आपस में क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इनको फाइंड किस तरीके से किया जाता है इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है ओके चलिए चल आगे हम बात करेंगे यहां पर इक्वली लाइकली इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं चलिए व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैविंग इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस क्या बोलते हैं कि अगर जो भी हम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाइस रोल कर रही हूँ एक डाय मैंने रोल करी तो मेरे पास क्या है से लेकर सिक्स यही है इफ यू टॉस अ फेयर ईच फेस कितना आएगा से लेकर सिक्स तक आएगा ठीक है अब इसमें से कुछ भी आ सकता है इज एज एज लाइकली टू ऑकर अदर फेसेस अब आप देखोगे की सबके आने के चांस कितने हैं वन वन है यही है अगर एक काम करती हूँ मैं क्या कर देती हूँ अगर उस डाइस में मैं सारे नंबर हटाकर टू थ्री फोर वापस से टू सिक्स और वन लिख दू तो सबसे ज्यादा आने के चांस किसके होंगे आप बताओ टू के होंगे क्योंकि टू दो टाइम्स है है ना तो यहां पे तो बायस डाई हो गई क्योंकि दो, दो बार लिखे हुए हैं इसलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं दो के आने के चांसेस ज्यादा हो गए लेकिन यहां पर बोला गया है इक्वली लाइकली इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं ये वो इवेंट होते हैं जिसमें जो भी आउटकम्स होंगे एक्सपेरिमेंट के उनके आने के चांसेस उनके होने के चांसेस क्या होंगे इक्वल होंगे ठीक है तो जैसे कि यहां पर मेरे पास डाइस थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यही इवेंट है तो इनके आने के चांसेस कितने हैं मतलब सबके इक्वल हैं फॉर एग्जांपल पहले वाले के कितने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग वन वन आने के चांस कितने होंगे कितनी है वन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने है? Six, that is, कितना आ गया वन अपॉन सिक्स सभी के आप चेक करो फाइव के आने के चांसेस कितने फाइव कितनी बार है वन टोटल कितना है सिक्स दैट इज आने के चांसेस के भी क्या है सभी के क्या है बराबर है वन बाई सिक्स ओके सो इसे हम क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स ओके चलिए सो so, यहाँ पे अभी टाइप्स हमारे ख़त्म नहीं हुए हैं इनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू